सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। तो आज हम इस 61 श्लोक पर चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय का। और ये श्लोक क्या है, इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य। तानि मतलब इंद्रियां, सर्वाणि मतलब समस्त, संयम्य मतलब कीपिंग अंडर कंट्रोल। शिल्पा लिख रहे हैं कि जिस जो अपने सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, कैसे? युक्त आसीत मत पर। आसीत, यहाँ पे आसीत वर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक हैं 58 से 63 तक, इसमें अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वह बैठता कैसे है, जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो बैठता कैसे है, या दूसरे शब्दों में वो अपनी इंद्रियों को कैसे बिठाता है भगवान के चरणों में, अपने मन को इंद्रियों को भगवान के चरणों में कैसे लगाता है, कैसे बिठाता है, उसके आंसर में भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत परहा, क्यों? मेरे मत परहा मतलब परायण होके, मेरे परायण होके वो आसीत अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से मेरी सेवा में और मुझे मेरे चरणों में लगाता है। चरणों में लगाना मतलब सेवा में लगाना। वशे ही यसे इंद्रियाणि, इस तरह से उसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, और जिसकी इस तरह से वश में हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, जो चेतना है, समझो सदैव भगवान में लगी हुई है, और ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। ये इसकी एक साधारण सी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अब जो कल हमने जो डिस्कस किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल यही डिस्कस किया था कि शुद्ध होने के बावजूद भी, एक्चुअली प्योर, पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्योर कहते किसे हैं, प्योरिटी किसको कहते हैं, या शुद्ध हम कहते हैं वो भक्त शुद्ध है। अब वो शुद्ध की परिभाषा क्या है, तो कल और परसों जो हमने डिस्कस किया उसके आधार पे उसकी परिभाषा क्या है शुद्ध की। शुद्ध मतलब जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जिसमें भेद बुद्धि है, जो देख सकता है कि भोग क्या और भक्ति क्या है, भोग और भक्ति में भली भांति वो अंतर पता लगा सकता है, और लगाकर अपने आप को भक्ति में लगा सकता है, क्योंकि एक अंतर तो एक नियोफाइट को ही पता चल जाता है, लेकिन वो भोग में फिर भी घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? क्योंकि प्योर उसको कहते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जिसमें भेद बुद्धि है, विवेक है जिसमें, और दूसरा जिसको रस की प्राप्ति हो गई है। जब हायर टेस्ट, जो हमने श्लोक में इसमें डिस्कस किया था, विषय में निर्वर्तन थे, रसवर्जम रसोप्यस्य, मतलब हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट वो उसका छूट जाता है, और फिर हायर टेस्ट क्या है वो मैंने बताया। लेकिन हायर टेस्ट लेने के बावजूद भी ये जो प्योर जो डिवोटी है, हायर टेस्ट लेने के बावजूद भी इसका फॉल डाउन हो सकता है, हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, जड़ भरत, छोटा हरिदास और शिव जी, ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी तो अपनी बेटी के पीछे भाग ही गए, वो क्या है, वो तो बहुत बड़ा फॉल डाउन ही है। तो रस भी मिल गया और डिस्क्रिमिनेशन पावर भी है भोग और भक्ति में अंतर पता लगाने की, तब भी फॉल डाउन हो रहा है। क्यों? तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इसलिए हो रहा है, वन ऑफ द मेन पॉइंट, कि वो भूल जाता है कि माया बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही कोई डिवोटी भूल जाता है कि माया बहुत शक्तिशाली है, तो तुरंत माया को अवसर मिल जाता है उसको कैच करने का, उसको पकड़ने का। निकटस्थ माया झपटिया धरी, माया तुरंत उसको अंडर अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार। और जब माया पकड़ लेती है तो फिर उसके बाद उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। जो माया से नहीं डरेगा उसको माया पकड़ लेगी, और जो माया से डरेगा वो सदैव भगवान से प्रार्थना करेगा। अब ये नहीं है कि हमारा मन भगवान में पूर्ण रूप से लग चुका है, ब्रह्मा जी के तो लगा ही हुआ था, और भरत महाराज तो भाव अवस्था में थे, उनका भी लगा ही हुआ था मन,
फिर भी फॉल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि वे सब भूल जाते हैं। जैसे कोई भूल जाता है कि माया बहुत शक्तिशाली है, भरत महाराज भूल गए, तभी तो हिरण से असक्त हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि युक्त आसीत मत परह, सदैव मेरे परायण रो, अर्थात सदैव मुझसे प्रार्थना करते रहो। जहाँ पे प्रार्थना, और प्रार्थना कौन करेगा? जिसको माया से सदैव डर लगेगा। इसलिए एक बार श्री प्रभुपाद अपने रूम में थे, तो वो यशोदा मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि हे यशोदा मैया, मुझे प्लीज़ मुझे माया से बचाइए। तो उनके डिसाइपल्स ने उनसे पूछा श्री प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, आप यशोदा मैया से प्रार्थना किस क्यों कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें नहीं पता लगेगा, माया बहुत स्ट्रांग है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचा के रखिए, और तुम सब माया से नहीं डरते तो तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा था, तो माया से तो महान महान भक्त भी डरते हैं। तभी तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि रूप गोस्वामी एस्केप कर गए इस मटेरियल वर्ल्ड से, रूप गोस्वामी बच के निकल गए इस संसार से। अब रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी तो महान, मतलब महान महान भक्त हैं हमारे, रूपानुग, हम उनके अनुगत्य में ही तो हैं। तो रूप गोस्वामी का भी फॉल डाउन हो सकता था, कहने का आशय ये है श्री प्रभुपाद का, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड बहुत खतरनाक है। मतलब यहाँ कोई नहीं बच सकता, यहाँ वही बच सकता है जो सदैव माया से डर के रहेगा। माया से डर के रहेंगे तो स्वतः प्रार्थनाएं निकलेंगी कि भगवान प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे प्लीज़ गाइड करिए, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, आमी तो मूर्ख हती, किसे भालो होए कभू ना बुझीनू ताई हेनू मम गति। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, मैं तो अत्यंत मूर्ख हूँ, मेरी गति कैसे होगी मुझे तो पता ही नहीं। तुम ही तो पंडित बड़ो मूढ़े रो मंगल, आप तो महान पंडित हैं, आप तो इस मूड का मंगल जानते हैं। तुम ही अन्वेषि वे ए दास ना भाव पर, इसलिए आप ही कुछ रास्ता खोजिए और इसको ना भाव पर, ए दास ना भाव पर, अर्थात इस दास को पराया मत समझिए। तो ये थिंकिंग रख के ही हमें और भगवान से प्रार्थना करें और आगे चलते रहें, तभी हो सकता है हमारा कुछ। अदरवाइज़ इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। सदैव भगवान को याद रखना चाहिए, और किसको याद रहेंगे भगवान सदैव? जो माया से डर के रहेगा। जैसे बच्चा कुत्ते से डरता है तो एकदम से मम्मी पापा को पकड़ लेता है ना, उसी तरह से माया से डरना पड़ेगा, तो एकदम से हम भगवान को पकड़ के रखेंगे हमेशा। ये सिद्धांत है। तो पॉइंट यही है, तानी सर्वानी संयम है, जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है, इंद्रियाँ भगवान के परायण होंगी, किसकी होंगी? जो माया से डर के रहेगा और भगवान से प्रार्थना करता रहेगा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।